आज मैं आपको सादे ब्लाउज की कटिंग बताने जा रही हूँ। इस कपड़े में दोनों तरफ से बॉर्डर है और इसमें तीरे वाला ब्लाउज भी बनेगा। अब इसको ऐसे खोल लेंगे, फिर इसको ऐसे अच्छे से फोल्ड करेंगे। ऐसे ये फोल्ड हो गया। अब हम चौड़ाई नाप लेंगे। ब्लाउज की चौड़ाई है 20 इंच। चेस्ट की चौड़ाई है 20 इंच, तो हम 20 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और ये 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। ये हम चौड़ाई ले लिए हैं, इसके बाद हम लंबाई लेंगे। ब्लाउज की लंबाई कितने इंच की है? ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच। आधा इंच यहाँ हम छोड़ देंगे सिलाई के लिए, आधा इंच मार्जिन। फिर ऊपर से हम लेंगे 15 इंच। ये 15 इंच हो गया। यहाँ से ऐसे हम सीधा चीना खींच लेंगे। फिर इसके बाद आधा इंच हम सिलाई के लिए लेंगे ऊपर। ये हमारी सिलाई की निशान, ये कटिंग की निशान हो गई, ये सिलाई की निशान है। यहाँ से कपड़ा कटेगा, यहाँ से हम सिलाई करेंगे। इसके बाद हम कंधा नापेंगे कितने इंच का है। 5 इंच ये हो गया कंधा। और फिर यहाँ से हम ऐसे 5 इंच लेंगे। ऊपर आधा इंच हम सिलाई के लिए छोड़ देंगे। फिर इस चीने से 5 इंच यहाँ हम निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ से 1.5 इंच की गोलाई ले लेंगे। ऐसे ऐसे गोलाई मिला लेंगे यहाँ तक। ये हमारा हो गया। फिर यहाँ से हम गले की निशान लगाएंगे 2 इंच। ये हमारा गला हो गया यहाँ से। अब गले की लंबाई कितने इंच की है वो नाप लेंगे। यहाँ से तो सिलाई आधा इंच छोड़ दिया गया है। अब यहाँ से हम गले की लंबाई नापेंगे। गले की लंबाई है 10 इंच, तो यहाँ हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ हम 3 इंच चौड़ाई कर लेंगे गले की। यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 3 इंच, यहाँ ऐसे सीधे मिला लेंगे। पूरा निशान लग गया है। अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। अब ये पीछे का भाग हो गया। अब हम आगे का भाग निकालेंगे। ऐसे हम दोनों भाग एक साथ निकालेंगे तो लंबाई हमारी छोटी हो जाएगी। अगर एक-एक भाग निकालेंगे तो लंबाई हमारी खूब अच्छी तरह से होगी। यहां से ऐसे इसको रख लेंगे। ऐसे रखने के बाद यहां से हम अब निशान लगा लेंगे। यहाँ से निशान लगा सकते हैं, चाहे फिर कटिंग भी कर सकते हैं। ऐसे हम कटिंग करेंगे। ये कट गया। अब ये यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये बेल्ट वाला है तो ऊपर सिलाई में जाएगा, फिर नीचे मोड़ में। यहाँ से हम 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे।
ऐसे काटेंगे, और ये जो बचेगा इसमें से हम आस्तीन निकालेंगे। यहां से ऐसे इसको ऐसे निशान मार लेंगे, फिर इसको हम अलग कर देंगे। यहाँ से हमारा आगे का गला हो जाएगा, आगे का गला है 5 इंच, आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, आधा इंच नीचे 6 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। छह इंच पे निशान हो गया, ऐसे गोलाई बना लेंगे। नीचे हमारा आगे का भाग हो गया। अब यहां से हम आधा इंच पे निशान लगाएंगे, ये आगे के भाग। यहाँ से इसको ऐसे नहीं कपड़ा लेंगे, उसके नीचे से ही लेंगे। अब हम तीरे का निशान लगा लेंगे, डॉट का निशान लगा लेंगे। आधा इंच यहाँ से नाप लेंगे ऊपर की सिलाई के लिए, ये सिलाई हो गया। अब यहाँ से हम डॉट का निशान लगाएंगे, डॉट का निशान है 11.5 इंच। तो आधा इंच हम यहाँ सिलाई छोड़ दिए, उसके बाद हम लेंगे 11.5 इंच। 11.5 इंच पे ये हो गया। इसकी चौड़ाई हम ले लेंगे 4 इंच, 4 इंच हो गया। अब यहाँ से ऐसे सीधे इसमें मिला लेंगे, ये हो गया। अब हम डॉट का निशान ऐसे लगा लेंगे, ये हमारा डॉट का निशान हो गया। अब हम तीरे का निशान लगाएंगे, कितने इंच का तीरा है हमारा, 6 इंच का है तीरा, तो हम 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ 7 इंच से लगाएंगे, यहाँ से ऐसे तीरा ऐसे करके ये हो गया, ये तीरे के निशान हो गए। यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे ऐसे, यहाँ से हम 1 इंच कट कर लेंगे। यहाँ से 1 इंच ये कट लिया, फिर यहाँ से हम जो ये मोर ये डॉट लगाएंगे 1 इंच का, यहाँ ये एडजस्ट हो जाएगा ऐसे। ये हमारा ब्लाउज कट के तैयार हो गया। अब हम आस्तीन काटेंगे, हमारे आस्तीन की लंबाई है 6 इंच। तो ये तो कपड़ा कम पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आस्तीन ले लेंगे, यहाँ से ऐसे आस्तीन के लिए ले लेंगे। इसको हम काट के निकाल देंगे, डेढ़ इंच ये हमारा मोड़ में जाएगा नीचे तुरपाई में, और यहाँ 6 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। ये सिलाई के लिए हो गया, और कटिंग के लिए 1/2 इंच। अब यहाँ से हम ऐसे काट लेंगे इसको बराबर से, ये जो बॉर्डर है इसको हम निकाल लेंगे। अब ये जो बॉर्डर है, अब इसके ऊपर से हम ऐसे सिल लेंगे, ताकि ये बॉर्डर इस पे अच्छा लगे दिखने में।
ये हमारा बाजू हो गया। यहाँ से हम 9 इंच ले लेंगे चौड़ाई, चौड़ाई ले लेंगे तो यहाँ कपड़ा कम पड़ रहा है तो इसमें हम कपड़ा ज्वाइंट करेंगे। ये 1.5 इंच मोड़ हो गया। आधा इंच ऐसे मुड़ेगा, ऐसे करके फिर ऐसे मुड़ेगा, फिर यहाँ से 6 इंच ये हमारा हो गया। मुझे सिलाई वाला ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से 3 इंच हम नीचे ले लेंगे, फिर ऐसे करके गोलाई करके मिला लेंगे। ये हमारा आस्तीन कट गया। अब यहाँ हम जोड़ लगा लेंगे, ये जो कपड़ा बचा है। इसको ऐसे इस पे रख लेंगे। लगाओ जी लगाओ। जी हमारा जॉइंट यहाँ लग जाएगा। बस हो गया बाजू तैयार।